ये पोलिनोमियल चैप्टर का एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ सो एग्जांपल टू में देखिए फाइंड फाइंड दीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट साम गिवेन पॉलिनोमियल को लिख लिया सोलूशन दैट इज लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सक्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे ओके बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो यहाँ आप देखेंगे दैट इज़ टेन इंटू वन रूल ये होता है ये कॉन्स्टेंट को के कॉन्सटेंट से मल्टीप्लाई किए टेन को टेन को टू नंबर में डिवाइड किए जिसको ऐड करने पर सेवन आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर टेन आ जाए तो फाइव और टू से हम ये करेंगे तो इस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका is equal to दैट इज ओके x square plus फाइव एक्स सेवन एक्स को हम स्पीट टू टर्म्स में स्प्लीट कर सकते हैं दैट इज फाइव 2x प्लस टू एक्स और प्लस टेन अब हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स में कॉमन आ जाएगा x x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस आ जाएगा फिर अब 2x एक्स प्लस टेन में हम प्लस टू कॉमन लेंगे तो 2 और इंटू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा नो विच इज़ इक्वल टू अब x प्लस फ़ाइव कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस फ़ाइव और इन टू एक्स प्लस टू आ जाएगा इस ढंग से हमने फैक्टराइज़ कर लिया अब फैक्टराइज़ करने के बाद हम ये जीरोस फ़ाइंड करेंगे फोर जीरोस ऑफ़ पी ऑफ एक्स दैट इज़ ये आ जाएगा दैट इज़ फ़ाइव एक्स प्लस फ़ाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस टू इज इक्ल टू ज़ीरो तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा ये दो ज़ीरोज़ आ गए अब हम सम ऑफ जीरोज़ फ़ाइंड करेंगे तो सम ऑफ़ जीरोस दैट इज़ दो जीरोस जो हमने फाइंड किया दैट इज माइनस फाइव और प्लस माइनस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस फाइव माइनस टू विच इज़ इक्वल टू माइनस सेवन आ गया और फार्मूले से भी हम सम ऑफ फ्रॉम फार्मूले सम ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू बी जो होगा कोफिशेंट ऑफ एक्स है कॉफिशेंट ऑफ एक्स यहाँ सेवन है तो माइनस ये आ गया और फिर ऑफ एक्स दैट इज बी सेवन आ गया और अपॉन ए ए हमारा यहाँ वन है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ वन है ओके विच इज़ इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन वन विच इज इक्वल टू माइनस सेवन आ गया इस ढंग से सम ऑफ जीरोज किया माइनस सेवन और फार्मूले से भी माइनस सेवन आ गया ओके okay, फिर आप फाइंड करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमने जीरोज़ फाइंड किए दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू ये टेन आ जाएगा अब फार्मूले से भी हम फाइन करेंगे फ्रॉम द फार्मूले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू फार्मूला होता सी अपॉन ए दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ टेन है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ वन है नो विच इज इक्वल टू टेन यहाँ भी देखेंगे अब फार्मूले से भी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेन आ गया और हमने जो जीरोस फाइंड किया तो उसका भी प्रोडक्ट टेन आ गया तो इस से हम कहेंगे ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कॉफिशेंट आर वेरीफाइड हो जाएगा ओके okay. एग्ज़ाम्पल थर्ड है फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशेंट ओके तो इस केस में आप ये देखेंगे कि यहाँ अगर हम जब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो यहाँ एक्स का टर्म एब्सेंट है यानी बी इज टू जीरो जाएगा ए इज टू वन हो जाएगा सी इज टू माइनस थ्री आ जाएगा ओके तो इसके लिए हम करेंगे लेट पी ऑफ एक्स इज इक्ल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अब इसे हम फैक्टराइज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री को लिख सकते हैं हम रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सो पी ऑफ एक्सर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी सी आ गया तो हम गिवन पोरिनल को फैक्टराइज कर लिया अब यहाँ से जीरोज़ फाइंड करेंगे फोर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा देरफोर एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री और एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री आ जाएगा ओके okay. अब हमने जीरोस फाइंड कर लिया अब हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ़ जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया अब फार्मूले से भी हम फाइंड करेंगे सम ऑफ़ जीरोस विल बी इक्वल टू सम ऑफ़ जीरोस का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए नो बिच इज़ इक्वल टू बी हमारा यहाँ जीरो है और ए हमारा वन विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा इस टें से ये रिलेशनशिप वेरीफाई आ गया यहाँ भी जीरो हो गया यहाँ भी ज़ीरो हो गया अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फ़ाइंड करेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ विल बी इक्वल टू दोनों जीरोज़ का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा रूट थ्री और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएगा अब फार्मूले से भी हम फाइन करेंगे फ्रॉम फार्मूले प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ हमारा माइनस थ्री और ए हमारा वन है विच इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा लिखेंगे हेंस वेरीफाइड आ जाएगा ओके okay? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो आर माइनस थ्री एंड टू रेस्पेक्टिवली तो हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं गिवन सम ऑफ जीरोस विल इक्वल टू माइनस थ्री है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल इक्वल टू टू दिया हुआ है सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला हो जाता है दैट इज़ पी ऑफ एक्स विल इक्वल टू के और इन टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये आ गया अब सम ऑफ़ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ ये हम पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमने यहाँ पुट कर लिया तो so, यहाँ से आ गया इक्वल टू के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स एंड ये आ गया प्लस टू आ गया अच्छा के हमारा कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो नॉन जीरो रियल नंबर है के का के हम इसलिए लेते हैं ताकि ये अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना जी तो इसे डिनोटर को हमें हट, ओके हटाने के लिए हम के का करस्पॉन्डिंग वैल्यू सुटेबल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ के चूँकि डिनोटर है नहीं तो के का हम के इज्क्ल टू तो वन ले लेंगे तो पी ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा वन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आ गया चीज इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक तो यहाँ से हमारा आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोम जब सम ऑफ समीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिए हुए हैं एग्जाम्पल सिक्स में देखेंगे हमको डिवाइड इस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू ओके हमें सिंपल ये डिवाइड देना है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू से हमें डिवाइड देना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को ओके okay? तब यहाँ एक्स को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स से तो ये हमारा आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ टू एक्स हमने डिसाइड कर लिया टू एक्स को अब एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर टू एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस फोर एक्स आ जाएगा अब हम साइन चेंज करेंगे यानी ये माइनस और ये भी माइनस आ जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस फोर तो ये आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा अब प्लस वन हम फिर से यहाँ नोट कर लेंगे ओके अब यहाँ हम एक्स को मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स लाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन माइनस वन से एक्स और टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और एंड माइनस टू साइन चेंज किया प्लस और ये भी आ जाएगा प्लस तो माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा प्लस वन और प्लस टू ये आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो डिवाइड करने पर ये आ गया ये हमारा क्वेश्चन आ गया ये रिमाइंडर आ गया आंसर सिंपल यहाँ कह रहा था डिवाइड देने के लिए इसी तरह एग्जाम्पल सेवन में एक डिवाइड देने में आपको ये याद ध्यान रखना पड़ेगा कि गिवन जो पॉलिनोमियल है जो ये डिविडेंड है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है चूँकि वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीज कर रहा है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो गिवेन जो जब भी पोलिनोमिल के डिवीजन में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि गिवेन पोलिनोमिल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? अगर नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं ओके है अब एग्जाम्पल सेवन में डिवाइड थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ये डिविजन इसको डिवाइड देना ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है बाय वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसे अब हम चेंज करेंगे तो हेयर वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन जनरली हम पावर को जो है ना डिक्रीजिंग के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पावर टू है एक्स वेरेबल का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ एक्स पावर वन आ गया और एक्स पावर जीरो आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया अब हम डिवाइड देंगे दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन से डिवाइड देंगे थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव को तो यहाँ अब ये यह देखिएगा कि एक्स स्क्वायर को अगर हम जब थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा थ्री एक्स क्यूब ओके थ्री एक्स क्यूब डिवाइड देने थ्री एक्स को चाहिए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स से तो ये टर्म तो हमें थ्री एक्स हमें फाइंड करना रहता है और ओके तो थ्री एक्स डिसाइड होने के बाद अब थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर टू एक्स और वन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थ्री एक्स क्यूब आ गया थ्री एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर गया थ्री एक्स को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री एक्स आ गया अब साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा माइनस ये माइनस और माइनस तो प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब कैंसिल हो गया यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ गया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स आ जाएगा प्लस फाइव आ गया ओके अब फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके माइनस फाइव एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा माइनस फाइव को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस फाइव को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा माइनस फाइव को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव आ गया आप चेंज कर लेंगे ये प्लस प्लस और ये प्लस आ जाएगा ओके सो यहाँ फाइव माइनस फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर कैंसिल हो गया ओके यहाँ देखेंगे माइनस एक्स और प्लस टेन एक्स ये आ जाएगा नाइन एक्स आ जाएगा फिर प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस टेन आ गया तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया अच्छा डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइडर के डिग्री से कम होना चाहिए तो यहाँ रिमाइंडर का डिग्री वन आ गया और डिवाइजर का डिग्री टू है तो ये डिवीज़न के रूल को ये ओके फॉलो कर रहा था यहाँ अब हमारा स्टॉप आ गया यहाँ से हमें मिल गया रिमाइंडर और कौशन नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डिवाइड दिस पॉलिनोमियल दिस यहाँ जो है ना ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यानी वेरिएबल का पावर जो है ना डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है तो इसे हम पहले चेंज कर लेंगे उसके बाद हम वेरीफाई ये डिवाइड करेंगे और डिवीजन लगोरी को हम ओके वेरीफाई भी करना तो अब सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट दैट इज़ एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इसको हम लिख सकते हैं इज इक्ल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस फाइव लिख लिया। अब हम डिवाइड देंगे दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स माइनस वन से डिवाइड देना है हमें माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव को हमें डिवाइड देना है तो अब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स क्यूब चाहिए तो हमें डिसाइड कर लिए यहाँ एक्स आएगा एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा एक्स डिसाइड होने के बाद अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस एक्स क्यूब आ गया ओके फिर एक्स को एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स आ जाएगा अब साइन चेंज कर लेंगे ये आ गया प्लस माइनस और ये आ जाएगा प्लस अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा ओके सो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस टू एक्स स्क्वायर आ गया माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स ये आ जाएगा माइनस टू एक्स आ जाएगा ओके और फिर ये प्लस फाइव हम फिर अब माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए टू एक्स स्क्वायर तो माइनस टू टू आ जाएगा सिर्फ माइनस टू आएगा माइनस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस टू एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस टू एक्स आ जाएगा माइनस टू एक्स आ जाएगा माइनस टू और माइनस वन तो ये आ जाएगा प्लस टू आ गया अब साइन चेंज कर लेंगे माइनस प्लस और ये आ गया माइनस तो प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये फिर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर आ गया ये प्लस फाइव और माइनस टू ये आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो यहाँ से हमें मिल गया कोशेंट और रिमाइंडर मिल गया हमारा जो दिया हुआ हो अब डिवीजन एलगोरिथम हमने डिवाइड कर लिया अब डिवीजन अलगोरिथम को वेरीफाई करने के लिए डिवाइजर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एंड कोशेंट जो दिया हुआ है दैट इज़ एक्स माइनस टू आ गया कोशेंट और डिविडेंड जो दिया हुआ था दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू थ्री आ गया अब डिवीजन एल्गोरिथम जो कहता है डिवीजन एलगोरिथम कहलाता है यह है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर ये होता है डिवीजन एलगोरिथम दैट इज़ अब हम यहाँ फाइंड करते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर और देखते हैं ये डिविडेंट इक्वल आता है नहीं आता तो डिवाइजर हम दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स और माइनस वन और इंटू कोशेंट आ गया एक्स माइनस टू प्लस थ्री अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स को जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया फिर एक्स को जब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स आ गया और फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा माइनस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू आ गया और प्लस थ्री आ जाएगा ये अब बिच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स तो ये आ जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया ओके okay, थ्री प्लस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स ओके माइनस एक्स और माइनस टू एक्स आ गया माइनस थ्री एक्स आ गया और प्लस टू और प्लस थ्री प्लस फाइव आ गया अब डिविडेंड जो हमारे पास है डिविडेंड माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स तो माइनस क्यूब प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस फाइव ये डिविडेंड की इक्वल आ गया देर फोर हम कहेंगे डिविजन को भी सेटिस्फाई कर गया ओके okay. अब एग्जाम्पल नाइन में है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पोलिनोम इफ़ यू नो दफ यू नो दैट टू ऑफ दू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू देखिएगा यहाँ गिवन पोलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर फोर है इसलिए इसकी डिग्री फोर है तो इसका जो है ना मैक्सिमम फोर रियल रूट्स आए रियल जीरोस आएंगे ओके okay. सो so, इसमें से दो दिए हुए हैं और रिमेनिंग टू हमें फाइंड करना है तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें लिखने solution में सोल्यूशन में लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स एंड माइनस टू ये दिया हुआ अब ये गिवन पॉलिनोमियल है सिंस गिवन दैट रूट टू एंड माइनस रूट टू आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स ओके ये दोनों पी ऑफ एक्स के जीरोज़ हैं देर फोर इस जीरो से हम फैक्टर बना सकते हैं एक्स माइनस रूट टू आ जाएगा अब यहाँ पे देखेंगे एक्स इज इक्वल टू दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक जीरोज है तो रूट टू को जब एल एच एस मिलाएंगे एक्स माइनस रूट टू एक फैक्टर बन जाएगा उसी ढंग से एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू है तो एक्स प्लस रूट टू ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा तो यहाँ x माइनस रूट टू और इंटू एक्स प्लस रूट टू ये उसका फैक्टर आ गया दैट इज़ इस दोनों तो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा ओके ये आ जाएगा इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स अब गिवन पॉलिनोमियल पी एफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू से तो हमारा ये था टू एक्स पावर फोर ये माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू को डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए टू एक्स पावर फोर तो यहाँ डिसाइड हो गया ये टू एक्स स्क्वायर आएगा टू एक्स स्क्वायर को अब इस दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स पावर फोर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर साइन चेंज कर लेंगे और यहाँ ये प्लस आ जाएगा तो अब ये कैंसिल हो गया फिर यहाँ से अब माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा ओके एंड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया अब प्लस सिक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स एक्स और माइनस टू को भी नोट कर लेंगे अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए माइनस थ्री एक्स क्यूब चाहिए माइनस थ्री एक्स क्यूब चाहिए तो ये एक्स स्क्वायर को जो हम माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाएगा तो माइनस थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब आ गया फिर थ्री माइनस थ्री एक्स को टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस सिक्स एक्स आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स ओके अब हाँ हाँ हम साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा माइनस तो यहाँ से अब ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया फिर आ गया ये एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस टू आ गया अभी भी रिमाइंडर का डिग्री टू है और डिवाइडर का भी डिग्री टू है तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा प्लस वन से एक्स स्क्वायर माइनस टू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा अब साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा प्लस ओके okay, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू जीरो आ गया ओके okay, इस ढंग से हमने डिवाइड किया अब रिमेनिंग टू जीरोस के लिए जो हमें पॉलिनोमियल कंसीडर करना है वो कंसीडर करना टू जीरोस जो गिवन था वो इस पॉलिनोमियल से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू से ओके okay, अब रिमेनिंग टू जीरोज़ के लिए हमें ये यह यहाँ इस पॉलिनोमियल से क्वेश्चन से हमें फाइंड करना पड़ेगा ज़ीरो ओके सो okay? फॉर so रिमेनिंग टू जीरोज़ हम ये कंसिडर करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अब इसे हम फैक्ट्राइज करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर वन को टू से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टू टु, टू से हमें थ्री चाहिए तो थ्री टू और इंटू वन से टू आ जाएगा और यहाँ पर हमें माइनस दोनों को ऐड करने पर माइनस थ्री चाहिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस टू इंटू माइनस वन टू आ जाएगा माइनस टू और माइनस वन ये आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा तो थ्री एक्स को जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मिडिल टर्म से जब फैक्टराइज करेंगे तो माइनस थ्री एक्स को लिख सकते हैं माइनस दैट इज माइनस थ्री एक्स को लिख सकते हैं माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स और प्लस वन आ जाएगा ओके okay? अब हमें ये कॉमन लेना है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स में टू एक्स हमने कॉमन ले लिया तो टू एक्स और इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा और फिर माइनस वन हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन और इंटू टू एक्स माइनस वन आ जाएगा ओके इस हमने फैक्टराइज कर लिया अब फोर जीरोज़ के लिए ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल हाँ टू एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा और यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू वन बाई टू तो ये टू जीरोज़ आ गया सो हम यहाँ कह सकते हैं देरफोर रिमेनिंग टू जीरोज़ आर वन एंड वन कॉमर टू ये हमारा आंसर आ गया ओके थैंक यू